गढ़ाकोटा में ताजिया उत्सव के संबंध में नायब तहसीलदार गढ़ाकोटा थाना प्रभारी भावना दांगी, 16 अगस्त 2020 को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए निम्न बिंदुओं पर फैसला लिया गया। ताजिया विसर्जन को जाते समय 4-5 ही व्यक्ति ताजिया विसर्जन करने जाएंगे। ताजिया विसर्जन करते समय डीजे एवं गाने का कोई शोर शराब नहीं होगा। ताजिया विसर्जन करते समय 15-20 मीटर की दूरी बनाकर जाएं। ताजिया हर जगह नहीं रखा जाएगा, केवल अपने घरों में रखे जाएंगे, वह भी छोटे रूप में। बैठक हुई है शांति समिति। आज जो मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है उससे संबंधित एक मीटिंग हुई है जिसमें ताजियों को लेकर जो जुलूस ना निकालने की सलाह दी गई है और जो ताजी हैं उनका साइज छोटा रखने की सलाह दी गई। और इसके अलावा मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि सिर्फ 5-6 लोग ही हर ताजिए के साथ होंगे और सार्वजनिक स्थलों पर रखे नहीं जाएंगे ताजिए और सीधे विसर्जन होगा उनका। और जो डीजे और ढोल आज कभी होते थे साथ में तो डीजे और ढोल पर पूरा प्रतिबंध है कि डीजे और ढोल नहीं होंगे। गणेश उत्सव को लेकर भी कोई बैठक आयोजित की गई है साथ में? आज सिर्फ ताजियों को लेकर हुई है, गणेश उत्सव की मीटिंग पहले हो चुकी है, उसमें भी यही डिसीजन हुआ है कि जो गणेश प्रतिमाएं हैं जो घरों में विराजमान होंगी उनके विसर्जन के लिए चौराहों पे गाड़ियां खड़ी की जाएंगी जिनमें सभी अपने मकान से गणेश जी को रखेंगे और फिर जाके विसर्जन होगा, कोई भी अलग सिंगल जाके विसर्जन नहीं करेगा।